दोस्तों आज की कहानी है पति देवा पराए घर से आई बहू की तारीफ क्यों करते हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर रोज नया वीडियो। डॉक्टर परिधि, कुछ दिन बाद मेरे देवर की शादी है और सारा काम मम्मी जी ने संभाल रखा था। अब उनके बिना बड़ी परेशानी आ रही है। आप बताएं हम उन्हें घर कब ले जा सकते हैं। राधिका ने बड़ी गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर परिधि रिपोर्ट्स को हाथ में लेकर उनका मूल्यांकन करते हुए बोली, हाँ उनकी हालत में काफ़ी सुधार है मगर पैर पर सड़ा प्लास्टर अभी एक महीने और लगा रहेगा। चल फिर नहीं सकती, अगर उन्हें घर ले जाएंगे तब भी उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करती हूँ एक नर्स रख लो, शादी वाला घर है, तुम अकेले इतना नहीं संभाल पाओगे। पास में बैठे ससुर विनोद जी बोले, बहु डॉक्टर मैडम सही कहती हैं जी, जैसा आप बोलेगी हम वैसा ही करेंगे और फिर मुझे मेरी बहु पर पूरा विश्वास है। ये तो यूं ही घबरा रही है, इसने तो हम सबको सकीद कर डाला है, सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है और कहती हैं कि अपनी सास के बिना कुछ कर नहीं पाएगी। हल्की सी मुस्कान लिए राधिका ने सारी रिपोर्ट संभाली और डिस्चार्ज पेपर बनवाने रिसेप्शन पर चली गई। उधर विनोद जी कमरे से सामान समेटने अपनी पत्नी सविता जी के पास पहुंचे। जी डॉक्टर से पूछिए मैं कब से चल सकती हूँ, शादी वाला घर है, सो काम पड़े हैं, अगर बिस्तर में पड़ी रही तो ये काम नहीं होगा। मुझे पता है मेरी बहू के हाथ पांव नहीं सहते, सार बार कहो तब जाकर एक बार हाँ बोलती हैं, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। देखो विनोद जी मुझे अच्छे से पता है मेरे बिना इस घर में एक सीख भी नहीं हिलती। सविता जी के दो बेटे हैं सौरभ गौरव, एक बेटी नीता। सौरभ की शादी को 2 साल हो गए, अब गौरव की शादी कर रही हैं। इसी सिलसिले में घर में सैल पैल रहती थी बेटी नीता। ससुराल में हर कभी काम और शॉपिंग के बहाने मायके आ जाती थी। आए भी क्यों ना, नीता घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी है। उसकी शादी सौरभ की शादी के से महीने बाद लव मैरिज के चलते हो गई थी। ससुराल मायका एक ही शहर में होने के कारण लगता ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। वो आधा दिन ससुराल में गुजारती तो आधा दिन मायके में। जब से गौरव की शादी तय हुई है नीता ज़्यादातर मायके में ही रहती है। इस वजह से उसकी दखलंदाजी घर में बहुत ज़्यादा है। माँ बेटी मिलकर बहू राधिका को भी बहुत तंग करती है। उसे घर की हर जिम्मेदारियों और कर्तव्य तो अच्छे से समझा दिए गए हैं मगर अधिकार एक भी नहीं दिया। बेचारी अपनी मर्जी से घर में रोटी सब्जी भी नहीं बना सकती मगर राधिका अपने संस्कारों के चलते ना अपनी सास और ना अपनी ननद से कोई शिकायत रखती है। वह दोनों जैसा कहती राधिका उनकी हुक्म सर आँखों पर रख मानती रहती ताकि घर में शांति बने रहे, वरना सौरभ के घर में घुसते ही राधिका की शिकायतों के पुलिंदे खुल जाते थे। इधर सौरभ भी कान के कच्चे थे, माँ और बहन की बातों में आकर हमेशा राधिका को ही डांटते डपटते रहते। एक दिन सविता जी को बाजार जाने की जल्दी थी, नीता का बार बार फोन आ रहा था। जैसे ही बाथरूम से जल्दीबाजी में निकलने की कोशिश में थी वहीं उनका पैर साबुन पर आ गया और वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। बार बार फोन की आवाज़ सुन राधिका उनके कमरे में आई तो देखा बाथरूम में सासू माँ बेहोश पड़ी थी। उसने तुरंत कार निकाली और सासू माँ को अस्पताल पहुँचाया, वहीं से सबको खबर कर
कर दी। डॉक्टर ने बताया सविता जी के सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई है। 48 घंटे का इंतजार करना होगा। सुन, सबकी सांसें थम गई थी। शादी वाले घर में अचानक ये क्या हो गया? नीता ने जब सुना कि मामला गंभीर है, साफ साफ अपने पिता को बोला, रात में मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहे, बोल जल्दी ही चली गई। उसके बाद दोबारा अस्पताल नहीं आई, बस कभी भाई को फोन कर पूछ लेती थी कि माँ की तबीयत कैसी है। जब सौरभ और गौरव ने पूछा तुम अस्पताल मम्मी से मिलने क्यों नहीं आ रहे हो, तो बोली अचानक कि रितेश का हैदराबाद टूर बन गया। मैंने सोचा मम्मी के पास कोई काम तो है नहीं, तो मैं क्यों ना हैदराबाद लूं। सौरभ और गौरव दोनों एक दूसरे से बोली हद होती हैं, यह माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं और इसे अपनी पड़ी है। पूरे 5 दिन बाद अचानक सविता जी को होश आ गया, मगर सिर और पैर में चोटें ज़्यादा थी, इसलिए उन्हें कुछ दिन अस्पताल में और रुकना पड़ा। बोल नहीं पा रही थी, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी नीता को ही ढूंढ रही थी। राधिका बहू ने हाथ फेरते हुए पूछा, माँ जी कुछ चाहिए? तो जोर से उसका हाथ झटक दिया, मतलब तबीयत खराब होने पर भी राधिका से बैर ही था। सुब कर जाओ सविता, अपने आप को दुर्लभ खाना समझती हो, तुम्हें पता है 10 दिन से तुम अस्पताल में भर्ती हो, तुम्हारे पीछे घर का काम किसने किया? मुझे सब पता है, मेरी बेटी मेरी लाठी है, अच्छे से घर अस्पताल सब संभाला होगा, बड़े घमंड से बोली। तभी पापा जी आप कमरे से बाहर चलिए, मैं मम्मी जी का स्पेस करके आती हूँ, उन्हें ज़्यादा बोलने की मनाही है, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। राधिका ने अपने ससुर से विनती करते हुए कहा, बेटा मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मगर मेरी पत्नी को जो अपनी बेटी पर इतना गुरूर है, आज उनको टूट जाने दो, वरना जीवन भर में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊँगा कि किसी के आँखों से लाड़ प्यार का पर्दा नहीं उतार पाया। क्या बकवास करे जा रहे, जरा नीता को फोन कीजिए, पूछो तो शॉपिंग खत्म हुई कि नहीं, फिर घर में हल्दी भी पिसवानी है, मेहंदी वाली को बुक करना, देने लेने के लिए गिफ्ट लेने बुलावे की तैयारी, और भी ना जाने क्या क्या। देखा बहू, इसको कुछ भी बोलो कुछ समझ में नहीं आता, मैं इन्हें क्या करा हूँ और ये कौन सा सुन रही है। पापा जी मैंने आपसे कहा ना, आप थोड़ी देर बाहर जाइए और मम्मी को तैयार कर लाती हूँ, फिर हम घर पर पहुँच कर आराम से सारी बातें करेंगे। बहू की बात सुन विनोद जी चुप हो गए। बेटा सौरभ बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था, सभी आराम से घर पहुँच गए। व्हील चेयर से सोफे पर बैठते ही सविता जी फिर चिल्लाने लगी, नीता दिखाई नहीं दे रही, कहीं काम से गई है क्या? माँ क्या नीता कर रही हो? नीता इस घर में तो क्या अपने ससुराल में भी नहीं है, और ससुराल में छोड़ो शहर में ही नहीं है। बेटे सौरभ ने थोड़े गुस्से में कहा, शहर में नहीं है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तब सबने मिलकर सविता जी को सारी बात से अवगत कराया। मैं सारी बात सुनकर बोली, आप सब समझते नहीं है, जरूर कि सास की तबीयत खराब होगी और प्रीतिश ने उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया होगा, वरना मेरी बेटी मुझे इस हाल में छोड़कर कभी ना जाती। विनोद जी अपना सिर पीटते हुए बोले, किसी ने ससी कहा है, प्यार अंधा होता है, मगर इतना अंधा बहरा होता है मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जान बसे समय पर अस्पताल पहुंचाया, घर और अस्पताल में
में हम तो तीन लोग इतना डर गए थे। उस बच्ची ने इतना हौसला दिया, सब कुछ एक पाँव पर संभाला, रसोई के साथ साथ हल्की हल्दी मेहंदी शादी की सारी तैयारियां सुचारू रूप से पूरी की, और तो और सुनार कान से गहने लाकर सीधे मेरे हाथों में दे दिए। तो मैं तो कभी उस पर रुपया पैसों के लिए विश्वास नहीं था, मगर इस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया है। और तुम्हारी कई हर बात गलत साबित हुई, इसके काम करने की पूर्ति ऐसी ऐसा लगता था शक मेरे सामने दुर्गा जी हैं। इधर अस्पताल का टिफन, इधर सौरभ गौरव के ऑफिस काम वाले एक हाथ में मोबाइल, सच में तो माँ बेटी की कई सारी बातें झूठी निकली हैं कि राधिका घर में कोई काम नहीं करती, बल्कि उस बेचारी ने उस मुसीबत के समय में अपने आप को साबित कर दिखाया है। हाँ, बस भी करिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, घर की बहू है, जब सास पर मुसीबत आई तो उसे इसी तरह काम करना ही था। आप क्यों अपनी बेटी को छोड़कर पराई की इतनी तारीफ कर रहे हैं, घर की बहू है, ऐसा कोई मेहमान नहीं किया, एहसान नहीं किया, और आप क्या चाहते हैं, अब मैं उसके पैर में गिर पड़ो। आखिर बहू ने इतना बेर क्यों माना, वो पराई घर से आई है, मगर उसने इतने दिन से ही तुमको और तुम्हारे पूरे घर को अपना मान लिया था, इसीलिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वरना तुम्हारी अपनी लड़की तो तुम्हें दोबारा पूछने नहीं आई। अब इतना भी तुम नहीं समझोगे तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। विनोद जी गुस्से में थमथमाते हुए वहाँ से चले गए। गौरव की शादी तेज समय पर हो गई। सविता जी व्हील चेयर पर बैठी बैठी अपनी बहू की क्रमता देखते रही, और बेटी की मेहमानी नखरे भी विदा के समय सौरभ और राधिका ने कपड़े फल मिठाई तोपे सब समान नीता और रितेश हो दिए। तब नीता गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती भाभी, आपको माना माँ भी मारे तो आप तो सस्ते में ही विदा कर देगी, कम से कम दामान को सोने की सेन और मुझे गले का सेट ही दे देती। दीदी आप एक काम करो, मेरे गले की सोने की सेन आप रख लो, मगर नाराज होकर मत जाओ, राधिका को ऐसा करते देख, सविता जी बोल पड़ी। नीता शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो अपनी माँ की तबीयत से तुझे कुछ लेना देना नहीं, तुझे सही कर रहे थे तेरे पापा, मुझे इंसान की फर्क नहीं, अगर होती तो आज बहू से बैर ना पाले बैठी होती, मगर अब मैं समझ गई हूँ कौन अपना है और कौन पराया। बहू तुम परेशान मत हो, शादी ब्याह का मामला है, हर किसी को खुश करने का ठेका हमारा नहीं। बोल सविता जी सुब हो गई, और नीता पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल